हेलो फ्रेंड्स मैं डॉक्टर पी एस तिवारी आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको ट्रंक से रिलेटेड कुछ सिम्टम बताऊंगा और उसकी कुछ दवाई बताऊंगा शुरू शुरू करते हैं दोस्तों पहली दवाई के नाम है के इसमें क्या होता है जब डीप अल्सर ऑन ट्रंक सुपरफिशियल नहीं हल्का नहीं डीप जैसे किसी का पाँव फटता है तो एक तो होता है ऊपर से हल्का सा फट गया लेकिन अगर वही पाँव अगर अंदर तक फट गया जिसमें से खून निकलता है तो उसको बोलते हैं डीप तो ऐसे ही अगर हमारे जीव में हमको डीप अर्सर हो गया है याद रखिए अल्सर तो हुआ है डीप अंदर तक गहरा हो गया है तो आपको चिंता करने की बात नहीं है आप जो है म्यूरोटिक एसिड थर्टी पावर में चूंकि चूँकि आपको ड्राफ्ट में लेना नहीं है क्योंकि अल्सर हुआ है तो आप जो है म्यूरिटिक एसिड थर्टी चार चार गोली करके दिन में तीन से चार बार लगातार चूसते रहिए आपका अगर ट्रंक में डीप अल्सर है तो हर हाल में ठीक हो जाएगा दोस्तों अगली दवाई का नाम है स्ट्रामोनियम इस्ट्रामोनियम क्या होता है इसका ट्रंक क्या होता है कि डीप रेड डॉट्स बन जाते हैं रेड लाल लाल ऐसे एक डाट पड़ गए डांट पड़ गए डांट पड़ गए कोई छाला नहीं कोई दर्द नहीं लेकिन जो है डॉट्स टाइप रहेगा तो अगर डॉट्स टाइप जो है ट्रंक पर बन जाते हो उसके लिए स्ट्रामोनियम स्ट्रामोनियम थर्टी पावर में दो दो बूंद करके सुबह शाम लगातार दीजिए देखिए आपके ट्रंक में जो जो डॉट्स बन गए हैं वो ठीक हो जाएंगे दोस्तों अगली दवाई के नाम है नक्स भूमिका नक्स भूमिका में क्या होता है कि नक्स भूमिका का जो ट्रंक होता है आधा जो है फर्स्ट हाफ फर्स्ट हाफ तो साफ रहेगा लेकिन जो पोस्टीरियर पार्ट जो ट्रंक का पीछे वाला वो गंदा रहेगा वो देखने में बड़ा अजीब टाइप रहेगा माने फर्स्ट पार्ट फर्स्ट हाफ दी पार्ट एकदम साफ रहेगा और पीछे का पार्ट बड़ा गंदा रहेगा तो ये नक्स भूमिका का सिम्टम है तो ऐसे पेशेंट को अगर ट्रंक में ऐसी दिक्कत है तो उनको नक्स भूमिका थर्टी चार चार गोल करके रोज़ एक डोज रात में लगातार दीजिए तो इस तरह का जो ट्रंक का प्रॉब्लम है कि सामने का पोर्सन साफ रहेगा और पीछे का पोर्सन गंदा रहेगा तो उनके प्रॉब्लम उनकी या ट्रंक की प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक होती है दोस्तों अगली दवाई का नाम है रस्टक्स रस्टक्स आप जानते ही हैं कि ट्रेंगुलर रेड टिप्स टिप्स पर जो है एक ट्रेंगुलर बन जाएगा तो बीमारी कोई भी हो अगर ट्रंक में ट्रेंगुलर टिप्स बन गया है उसके लिए रस्टक्स रस्टक्स रामबाण दवाई है रस्टक्स थर्टी पावर में दो दो बूंद करके दिन में तीन बार लीजिए गोली में लीजिए ट्रंक के किसी भी प्रॉब्लम में आपको दिक्कत है तो आपको ड्राफ्ट में देने की जरूरत नहीं है आप इसको चालीस नंबर गोली में बनवा लीजिए तो इसको हमेशा आपको चालीस नंबर गोली में चार चार गोली करके दिन में तीन से चार बार चूसना है दोस्तों अगली दवाई का नाम है जेस और जेस में क्या होता है इसका टंक क्या होता है कि सेंटर में ग्लोसाइटिस होता है दोस्तों ग्लोसाइटिस माने इन्फ्लामेशन ऑफ द टंग में सूजन आ गई लेकिन जे में क्या होता है कि बीच में खाली ग्लोसाइटिस खाली बीच में रहेगा खाली बीच में सूजन रहेगा बाकी चारों तरफ ठीक रहेगा तो ऐसे ग्लोसाइटिस केस के में ऐसे ट्रंक के केस में जिसमें सेंटर में खाली इन्फेक्शन हो गया है सेंटर फूल गया है तो ऐसे में जलसेमियम जलसेमियम थर्टी पावर में चार चार गोली दिन में तीन बार लगातार लीजिए जो ट्रंक के जो बीच में ग्लोसाइटिस हुआ है सूजन हुआ है वो आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी दोस्तों अगली दवाई का नाम है एसिड इसमें क्या होता है कि ट्रंक के ऊपर एक हार्ड नोटोसाइटिस बन जाता है माने एकदम टाइट ट्यूबर की तरह एक गांठ जैसी बन जाती है जिसको बोलते हैं नोडोसाइटिस तो अगर ऐसी प्रॉब्लम है कि गांठ बन गई है तो आपको ना तो ऑपरेशन कराने की जरूरत है आपको लेना है म्यूरूटिक एसिड एसिड थर्टी पावर में आधे के पानी में दो दो, -दो बूंद करके दिन में तीन बार लीजिए अगर आपके ट्रंक के ऊपर हार्ड नोटोसाइटिस हुआ है तब तब यह आस्ते आस्ते यह प्रॉब्लम ठीक हो जाती है दोस्तों अगली दवाई का नाम है एम्ब्रोशिया एम्ब्रोसिया थर्डी पावर में देना है इसमें क्या होता है कि जो हार्ड नोडोसाइडिस होता है ऊपर लेकिन इसमें क्या होता है नीचे होता है बिलो द ट्रंक अगर ट्रंक के निचले भाग में कड़ा हो गया है हार्ड हो गया है तो इसके लिए आपको चिंता करने की बात नहीं है इसके लिए आपको जो है एम्ब्रोसिया थर्डी पावर में दो दो बूंद करके दिन में दो बार लीजिए क्योंकि इसमें दर्द होता नहीं है तो आप इसको डायरेक्ट भी ले सकते हैं आपका जो है हार्ड नोडोसाइडिस ठीक हो जाएगा दोस्तों अगली दवा का नाम है कलक्रिया क्रियाकर्म इसमें क्या होता है कि ट्रंक में जो दर्द होता है साइड्स ऑफ द ट्रंक तो आपके जो दोनों साइड्स हैं साइड्स में आपको दर्द का फीलिंग होगा पूरी जीप नहीं होगा तो अगर किसी को भी अगर ट्रंक के साइड में दर्द होता है यह दवाई एक रामबान तरह काम करती है आप जो कलक्रियाकर्म थर्टी दो, दो बूद करके दिन में तीन बार लगातार कुछ दिन तक ले लीजिए याद रखिए अगर जो है ट्रंक के साइड्स में दर्द होता है तो कल क्रियाकर्व इसकी एक रामबाण दवाई है बीमारी कोई भी हो अगर ट्रंक के साइड में दर्द हो रहा है तो आपको कल क्रियाकर्व से हर हाल में मुक्ति मिल जाएगी तो दोस्तों आज मैंने आपको ट्रंक से रिलेटेड कुछ सिम्टम और कुछ दवाई बताया अगर आपको ट्रीटमेंट लेना है तो हमको व्हाट्सएप मैसेज करके अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में नमस्कार